आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें टेलर, गार्डनर, कॉबलर, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन और बार्बर की वैकेंसी रहती है। इस वीडियो में आपको इन्हीं वैकेंसियों को अप्लाई करने की पूरी जानकारी देंगे, कैसे आप ऑनलाइन इनको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले इसमें जो क्वालिफिकेशन डिटेल और कुछ एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आती है उसको बारे में आपको बता दें। अप्लाई करने की जो डेट है 23/11/2022 को स्टार्ट होगी और लास्ट डेट 22/12/2022 तक रहेगी। अप्लाई करने की ये डेट और लास्ट डेट रहती है, इसी दौरान आप ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। आगे रहता है पोस्ट वाइज कैटेगरी, कितनी पोस्टें रहती है, जिसमें कांस्टेबल टेलर की 18 वैकेंसियाँ रहेगी और कांस्टेबल गार्डनर की 16, कांस्टेबल कॉबलर की 31, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की 78, कांस्टेबल वॉशरमैन की 89, कांस्टेबल बार्बर की 55 वैकेंसियाँ रहती है। अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है 18 से 23 कांस्टेबल टेलर और कॉबलर गार्डनर की रहेगी, इसमें 10वीं पास, साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा आईटीआई का, और अगर आपका एक्सपीरियंस है सेल्फ एक्सपीरियंस इसके लिए भी चल पड़ेगा। साथ में कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन और बार्बर के लिए मैट्रिक ही मांगी गई है 18 से लेकर 25 वर्ष, इसमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ना ही कोई आईटीआई बेस पे है। तो ये रहती है ऑप्शनल नोटिफिकेशन। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो इस पीडीएफ को आप इनकी ऑप्शनल वेबसाइट से डाउनलोड करके पूरा चेक कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस बताएंगे कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इन वैकेंसी को अप्लाई करने का लिंक आपको डायरेक्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या अगर आपकी पहले से आईडी बनी हुई है तो आप डायरेक्ट क्लिक हियर फॉर द लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। नए यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे रहेगा, जिसके अंदर एप्लीकेशन साइनअप वाला पूरा पेज आएगा, इसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपका नाम रहेगा, मिडल नेम है तो यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट नेम है तो यहाँ पर एंटर करेंगे। आगे रहता है ईमेल आईडी, यहाँ पे अपनी डालेंगे, दूसरे बार यहाँ पे कन्फर्म करेंगे उसी ईमेल आईडी को, पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे उसी पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे। DOB डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ उसका आंसर देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो आपको याद रहे वही यहाँ से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें और उसका आंसर यहाँ पे लिखें। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है, इसको यहाँ एंटर करके फिर यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो ईमेल आईडी रहती है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको यहाँ एंटर करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जिन कैंडिडेटों ने पहले से अपनी आईडी बना चुके हैं और पहले से उन्होंने और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है वो डायरेक्ट इस पे लॉगिन पे करेंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आईटीबीपी की पोस्ट के लिए। जो जो पोस्टें अभी लाइव चली हुई है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है, यहाँ पे आपको लाइव यहाँ पे वैकेंसियाँ दिखाई दे रही है कि ये वैकेंसी अभी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इनका ही कौन सी वैकेंसी है यहाँ पे कोई भी नाम शो नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना होगा उसका नेक्स्ट स्टेप अभी आपको बताएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपका डैशबोर्ड, प्रोफाइल अपलोड, इमेज, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये वाले ऑप्शन आते हैं, इनको आपने पहले कंप्लीट करना होगा, तभी यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए वैकेंसी का लिंक हाईलाइट होगा। सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करके बताएंगे कैसे आपने अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है अपने। तो यहाँ पे प्रोफाइल का लिंक दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल रहती है जिसको आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये एज इट इज रहेंगे जब आपने प्रोफाइल में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अपना फादर नेम एंटर करेंगे, मदर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एज टू एज रहेगी रजिस्ट्रेशन करती बार, यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका एड्रेस रहता है, परमानेंट एड्रेस, इसको आप फिलअप करेंगे।
स्टेट यहाँ से अपने सेलेक्ट करेंगे। स्टेट से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट आएगी। डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना पिन कोड यहाँ एंटर करेंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे क्रॉस्पॉन्डेड एड्रेस आता है। अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है परमानेंट एड्रेस के अलावा तो यहाँ पे फिलअप करेंगे। सेम ही रहता है तो यहाँ पे क्रॉस्पॉन्डेड एड्रेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रहता है आपका एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन के लिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का, यहाँ से आप क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मैट्रिक ही पास हैं, इससे अलावा प्लस टू भी पास हैं और हायर एजुकेशन में हैं, तो आपको 1 बाई 1 अपनी पूरी क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे मैट्रिक का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड और इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपकी परसेंटेज, कितनी आपकी परसेंटेज बनती है मैट्रिक में वो लिखेंगे। उसके बाद प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। जब ये मैट्रिक का ऐड हो जाती है उसके बाद प्लस टू का करेंगे। इसी तरह से आप अपनी प्लस टू की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। अगर आप ITI पास विद एक्सपीरियंस हैं तो उसके लिए फिर यहाँ पे आपने स्पेस को स्क्रॉल करना है इसी में क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पे आपका सबसे लास्ट आ जाता है मैट्रिक पास विद रिकॉग्नाइज बोर्ड और आपका ITI वोकेशनल कोर्सेज 1 या 2 ईयर का सर्टिफिकेट। तो यहाँ से ये आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसी तरह आपने इसका बोर्ड और परसेंटेज ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आ जाता है, मेल है फीमेल है, तो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैरिड स्टेटस रहता है, मैरिड है अनमैरिड है, उस हिसाब से आपने यहाँ पे ये स्टेटस सेलेक्ट करना है। आगे रहता है आपका कैटेगरी। कैटेगरी यहाँ पे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सर्विस एक्स सर्विस मैन वाला कॉलम आता है तो इसको भी आपने केयरफुली फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज़ है, एक्स सर्विस मैन है, ITBP में है, ITBP के एम्प्लॉइज़ हैं, या फिर कुछ भी नहीं है, प्राइवेट है या अनएम्प्लॉइज है, तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको और भी इंस्ट्रक्शन पूछी गई है। अगर इनसे कोई आपका संबंध है इन ऑप्शन से तो आप क्लिक कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आपने नॉट वाले ऑप्शन में टिक करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई सक्सेसफुल सबमिट वाले प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन फिलअप होने के बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर रहता है, उसको आप कैसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे जाना होगा और यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन आया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चूज़ फाइल, इस पर आप क्लिक करके अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। 30 और 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपका सिग्नेचर रहता है, सिग्नेचर के लिए यहाँ पे भी चूज ऑप्शन दिया गया जो कि 15 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हेयर वाइज डिक्लेरेशन फोटो और इमेज वाला अपने ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपके क्वालिफिकेशन के मुताबिक पोस्ट हाईलाइट हो जाती है। अभी यहाँ पे 3 पोस्टें बता रहा है, कॉपलर, गार्डनर और टेलर की। ये तभी आती है जब आपने मैट्रिक प्लस ITI बेस पे आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, तो ये तीनों हाईलाइट होगी। अगर आप सिंपल मैट्रिक की हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये वाली अगर पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं, बार्बर, वॉशरमैन और स्पाई कर्मचारी की, अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे अपडेट हेयर का ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन में जाएंगे दोबारा से नीचे, तो यहाँ से आपने मैट्रिक सेलेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ पेज में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपका तो यहाँ पे आएगा 10th पास हाई स्कूल SSC SSLC, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे और परसेंटेज लिखेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक वाली जो भी वैकेंसी है ट्रेडमैन की, वो यहाँ हाईलाइट हो जाती है और ये नीचे वाली है जिसमें मैट्रिक प्लस ITI मांगी गई है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई फॉर द ऑप्शन दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे अप्लाई की आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल में आपने डिटेल फिलअप की है, फोटोग्राफ सिग्नेचर पूरा पूरा यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाता है कि कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप। जनरल से बिलोंग करेंगे तो आपको फ़ीस पे करनी होगी, अदर कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस चार्जेस नहीं है। उसके लिए आपने यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो पोस्ट आपने अप्लाई की है वो शो हो जाएगी। अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यही प्रोसेस रहता है ट्रेडमेंट की, जो वैकेंसी निकाली गई ITBP के थ्रू उनको अप्लाई करने का। अगर आपको हमारे इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो बनाते रहें।